दर्दे दिल के सिवा मोहब्बत कुछ भी नहीं, तेरे चेहरे के सिवा मोहब्बत कुछ भी नहीं। तुझे चाहा तो टूट के चाहा पर तेरे लिए, दीवानगी चाहत वफा मोहब्बत कुछ भी नहीं। किसी को चाहो तो बेसबब चाहो चाहने वालों, किसी को चाहो तो बेसबब चाहो चाहने वालों, सिला जो मांगोगे तो मोहब्बत कुछ भी नहीं। आए आए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो कोई फनी नहीं है, आज की वीडियो में किसी की रोस्टिंग नहीं की गई, बिकॉज आज का टॉपिक ही कुछ अलग है। ये जो आप तस्वीर साथ देख रहे हैं, इस लड़की ने अपने शोहर को अपना जिगर दे दिया, डोनेट कर दिया। और मैं जब से ये वीडियो आई है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, ये वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुई है। जब से ये वीडियो आई मैं बार बार देख रहा हूँ, और एक चीज़ पे मतलब सोच रहा हूँ और यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई क्या वाकई मोहब्बत है आज भी, इस तरह की मोहब्बत आज भी है। आप जरा ये इस लड़की के अल्फाज सुने, फिर हम मजीद बात करते हैं। वो तो बड़ा खुशी खुशी बता रहा है। मैं भी खुश हूँ। खुश हो? बिल्कुल खुश। बहुत खुश हो? बहुत। जिगर दे के कैसा लगे? वो मेरा जिगर है, तने जिगर, वो जिगर है तुम्हारा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं है भाई। शादी को कितना साल? शादी को 10-12 साल हो गए। 10-12 साल तो वही तुम्हारा जिगर है जिसे तुमने? वही मेरा जिगर है। और उसको जिगर दे दिया? रिक्शा से। रिक्शा से? जी हाँ, रिक्शा से। बच्चे नहीं है तो सब कुछ मेरे लिए, मेरा शोर ही। बहुत प्यार करती है? बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरा जिगर दे दिया उसको। पूरा भी हमने तो भी आधा निकाला था तुम्हारा, ग्रो कर। मेरा जिस्म का सारे जो ये जो निकल सकता निकाल दो, फिट कर दो, फिट कर दो, उसे बचा ले बस। हाँ, वो ठीक हो जाए। बहुत प्यार करती है? बहुत प्यार करती हूँ उसे। सच इमोशंस आर प्राइसलेस। एंड जी तो नाजरीन, आपने सुना इस लड़की ने क्या कहा। इस लड़की ने अपना जिगर अपने शोहर को दे दिया, और उस शोहर को जो इनकी कोई औलाद भी नहीं, 10-12 साल से इनकी शादी हुई है, औलाद नहीं, बट फिर भी मोहब्बत कम नहीं हुई, मोहब्बत कम नहीं हुई। इसीलिए इस लड़की ने अपना जिगर देने के लिए, इस लड़की को नहीं पता, इसने वायरल होने के लिए नहीं किया ये सब, इसने वायरल होने के लिए नहीं किया। इसको नहीं पता था कि वो जिगर देने के बाद जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। अगर रहेगी भी तो उसको क्या पता था कि मेरी वीडियो बनेगी और इस तरह वायरल, तो उसने वायरल होने के लिए नहीं। तो नाज़रीन, मैंने आज तक ड्रामों में, फिल्मों में यहाँ पर ऐसी मोहब्बत देखी थी, सुना था कहानियों में, हीर रांझा, लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, सब सुना था, बट मैंने आज देखा और मुझे यकीन नहीं होता, बार बार इस वीडियो को देखा कि कैसे लोग एक दूसरे के लिए जान लगा देते हैं, और लगा के दिखाई इसने जान की परवाह किए बगैर। तो जितना भी सराहा जाए इसको, लड़की की इस हिम्मत को, जितनी हौसला अफजाई की जाए वो कम है, क्योंकि इसने साबित किया है कि मोहब्बत, आजकल के लोगों ने जो मोहब्बत का वर्ड इस्तेमाल कर लिया है ना, जिस मायने में, वो जिस्मों को हासिल करने के लिए, वो मोहब्बत लफ्ज़ बदनाम हो गए। हकीकी जो मोहब्बत लफ्ज़ है वो ये नहीं है। आज इस लड़की ने ये साबित किया कि ये मोहब्बत है, अपनी जान से ज़्यादा दूसरा अजीज़ हो जाना, ये मोहब्बत है। तो ये इस लड़की ने साबित किया है। तो कुछ लोगों ने मोहब्बत के लफ्ज़ को ही बदनाम कर दिया है, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो एक मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो ला हासिल का नाम है, जो ला हासिल रहती है और एक तलब का नाम है। मोहब्बत हासिल हो जाए वो तलब ख़त्म है, फिर वो मोहब्बत तो ना रही। मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को कि देखें ये लड़की कैसे इसने मोहब्बत में अपनी जान की परवाह नहीं की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ, बट मैं सोचता रहता हूँ कि वाकई ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं अभी, इस बात को मैं बड़ा सोच रहा हूँ। कमेंट्स में आप लोग भी बताएं कि कमेंट्स करके बताएं कि आपको आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोचते हैं वीडियो देखने के बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।